वो T20 चला गया खाने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है ना कुछ स्पोर्ट फैसिलिटीज है ना बिल्डिंग सीधी है ना कुछ वहां से सात लोग ओलंपिक में वो पांच तो वापस ही नहीं आएंगे उनमें से

उन्होंने एक बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर था उसको बंद कर दिया है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर भी, भी जगह जहां पे हमारे मुस्लिम लोग गए उन्होंने इंटीग्रेट करने की कोशिश की है जहां जिन लोगों को मैं तो हर स्टूडेंट आया मेरे भी वैसे सभी को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू कास्पी जी को जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारा साहब जो कि एक जबरदस्त जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहे तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे जय हिंद जय भारत कई लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे थे कि 25 करोड़ लोगों का कंट्री है लेकिन ओलंपिक में सिर्फ सात लोग हैं। मुझसे जाती पूछ, जाती पूछो, को भी नहीं भेजना चाहिए था वो भी कॉम का खर्चा नहीं करना चाहिए था क्यों आपके क्रिकेट के क्रिकेट आपकी क्रिकेट टीम के अंदर आपने कबड्डी कर कुश्ती के लोग डाले हैं जब आप मेरिट पे आप डिसाइड नहीं कर पाते कोई भी चीज पाकिस्तान में तो किसको पता है कि वो सात लोग भी सिफारशी हो वो जो सात लोग आपने भेजे हैं हो सकता है वो भी अफसरों के या जो लूटिंग लीट है उनके बच्चे भेज दिए हो आपने और फिर वो सात बच्चे गए हो सकता है उसमें से पांच वापस ही ना आए क्या पाक अच्छा तीस, दूसरी पॉइंट ये है क्या पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास ओलंपिक की तैयारी के लिए फैसिलिटीज मौजूद हैं जब आपके पास खाना खाने को नहीं है तो ओलंपिक में कंप्लीट क्या करेंगे भाई आप वो क्यों गलती करे वो ये भी खर्चा क्यों क्यों किया अक्सर तो बेचारे खिलाड़ी अपना खर्चा खुद करते हैं ये तो सिर्फ क्रिकेट वालों के करते हैं तो यहाँ पे खिलाड़ी तो है ही कोई नहीं को, खिलाड़ी कहते हैं सारे अफसरों के रिश्तेदार हैं वो 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 भाईजान जो मोटा तीन सौ पाउंड वाला था उसने कहा नहीं था मुझे तो पता ही नहीं अब ने दोस्त उन्होंने मुझे भेज दिया यहाँ पे टी ट्वेंटी खेलने चला गया भाई के दोस्त की वजह से तो ये आरजू खिलाड़ी खिलाड़ी तो स्पोर्ट्समैन होते हैं और पाकिस्तान जहां खाने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है उनमें तो से वो तो लग के वहां उबर चलाएंगे वो डोर डैश करेंगे वहां पर जाके लेकिन दुख वाली बात है कहते हैं जी वहां साथ, साथ गए हैं पच्चीस करोड़ में मैं कहता हूँ सात भी नहीं जाना चाहिए उनमें से ओलंपिक की स्पेलिंग तो किसी को पता नहीं है सारा कौम तो जहाद के लिए चक्कर में बैठी हुई है मुर्शद कहते हैं ज्यादा करो वो जद कर रहे हैं दूसरा उस पर आगे जो मैं जो अगली बात करना चाहूंगा वो ये थी आरजू कि जर्मनी के अंदर हैम्बर्ग के अंदर उन्होंने मस्जिद एक बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर था उसको बंद कर दिया कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व मेरे यहाँ अमेरिका के अंदर अलमियात में से एक ये भी अलमिया है मुझे दुख के साथ ये कहूंगा किसी भी जगह जहां पर हमारे मुस्लिम लोग गए उन्होंने इंटीग्रेट करने की कोशिश की है जहां जिन लोगों को मैं तो खैर स्टूडेंट आया मेरे भी वैसे स्टेटस तो यही है पोलिटिकल वाला ही है क्योंकि हम सारे पोलिटिकलम वाले हैं क्योंकि पीछे से हमारे पीछे जिन कंट्रीज में आग लगी हुई है वहां से जो भी भागता है वो पोलिटिकल असाइली होता है हालांकि मैं यहाँ पोलिटिकल तो नहीं हूं लेकिन हमका हमारा स्टेटस यही है पीछे आग लगी है हम भाग के निकले हैं वहां से लेकिन मुझे ये बताएं ये जितने लोग यहां पे आते हैं पोलिटिकल लेते हैं या जिस तरह चलो भाग के आगे पैसा कमाने के ये 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 कंट्रीज तुम्हें तुम्हें फीड करते हैं ये तुम्हें संभालते हैं संभालते सिटीजनशिप देते हैं सऊदी अरेबिया वाले तो रफीक मस्किन करके आप चाहे पचास साल वहां रहे जाति दादा जूता मारते कहते भाग जो यहां से नजर न आना बिल्कुल ये सिटीजनशिपें देते हैं तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं वोटिंग राइट देते हैं कभी कोशिश की है कि आप इंटीग्रेट करें इनके सिस्टम का हिस्सा बने अमेरिका के अंदर चार जुलाई फोर्थ और जुलाई को सेलिब्रेट नहीं किया जाता चौदह अगस्त के बहाने पाकिस्तान से लोगों से पैसे लेकर उनसे उनको आ, 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 सिंगर बना के यहां लाया जाता है एक दो दिन ड्रामा करके फिर वो यहां टैक्सी चला रहे होते आज से नहीं हो रहा है मैं जब से यहां पैंतीस चालीस साल से देख रहा हूं चौदह अगस्त पे सारी खातन जो है वहां इकट्ठी हो जाएंगी ऊपर एक स्टेज पे चढ़ जाएगा गाना फोर्थ और जुलाई का पता ही नहीं किसी और मस्जिदों के अंदर आरजू मैं ये, ये हमबर्ग में उन्होंने जो किया है इसकी मैं इसको यहां से कंपैरिजन करना चाह रहा हूं अमेरिका अमेरिका के के साथ के अंदर मस्जिदों में आर वीजा वीजा रिलीजियस दिया जाता है वो वीजे भी बिकते हैं वो वीजे भी बेचे जाते हैं पाकिस्तान से ऐसे लोगों को जिनकी हाई स्कूल भी एजुकेशन नहीं है जो जिनको इस्लाम का अल्फो बे नहीं पता उनको पैसे लेके आर वीजे पर यहां ला उनको ग्रीन कार्ड दे दिए जाते हैं फिर वो मस्जिदों में जो प्रीच करते हैं इनके बच्चों को वो अब जर्मनी वाले ये, ये ना करें तो क्या करें क्या करें क्या मैं, तो मैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी को कर रहे हैं उसको बैन करना बिल्कुल उन्होंने बच्चे नहीं बचाने अपने दूसरी आरजू में आपको जिन्होंने सलमान तसीर साहब को जिन्होंने मर्डर किया था क्या नाम है उनका जी वो मुमताज कादरी मुंताज कादरी जिन्होंने उनको मर्डर किया था उनका बहुत बड़ा रोजा बना दिया मकबरा बना दिया इस्लामाबाद में ठीक है एक बहुत बड़े यहाँ के आपके रिजवी साहब थे वो कहते थे कि मैंने उनके कब्र से उनके हाथ निकलते देखे हैं खुद अपनी आंखों से और दोनों हाथों में तलवार थी ये उनकी स्टेटमेंट होती थी मैं अमेरिका के बारे में बताना चाहूंगा एक मस्जिद यहां जहां मैं बैठा हूं यहां से 50 मील के फासले पे उस मस्जिद के अंदर मुमताज कादरी साहब का उर्स मनाया गया फिर ऐसा ऐसा इस्लाम मैंने अमेरिका के अंदर प्रैक्टिस होते देखा है जो आपने जिंदगी में कहीं नहीं देखा होगा कई मसाजिद हैं हमारे लाइटें बंद करके तो वो अपना विरद शुरू कर देते हैं मैंने आज तक कहीं नहीं देखा कहते हैं ये जिक्र की नई ट्रेनिंग दे रहे हैं और आरजू ये फिर जो उनमें से जो बच्चे वो बच्चों को जो प्रीचिंग टीचिंग दे रहे हैं उनको वो अमेरिका से प्यार करना या इंग्लैंड से या जर्मनी से प्यार करना नहीं सिखाते फासले मजीद गहरे करते हैं कहते हैं ये ये काफ़ मुझे एक बताए बात आरजू ये क्रिश्चियन जिस जिस मैं कंट्री में बैठ के बात करूं ये क्रिश्चियन कंट्री मैं यहाँ ला स्कूल गया हूं मेरे लॉ के प्रोफेसर कहते थे कि इस अमेरिकन जो कानून है इनके ऊपर कैथलिक क्रिश्चियन रिलीजन का ऊपर इनकी ठाप है क्योंकि क्रिश्चियंस कंट्री है क्रिश्चियंस के लिए ला बनाया गया है अब मैं यहाँ पे अगर मुझे क्रिश्चियनिटी से इतनी नफरत है अगर मैं इतना बड़ा इस्लामिक इस्ला, इस्लामिक कल्चर और वैल्यू और मजहब से प्यार तो मैं यहाँ लेने के आया हूं मुझे यहां नहीं आना चाहिए तो यही एक क्वेश्चन है मेरा जर्मनी वालों से सबसे ये पिछले दिनों एक मूवमेंट चली थी कि ये मस्जिदों के अंदर नमाज नहीं पढ़ते सड़कें बुला करके नमाजें पढ़ते शो ऑफ इंडिया में भी यही करते हैं लेकिन मैं मेरा ये क्वेश्चन है कि ठीक है भाई अगर तुम्हें इन जर्मन वैल्यू से ब्रिटिश वैल्यू से तुम्हें अमेरिका की वैल्यू से यू हैव डिसएग्रीमेंट ये काफर है ये कुफर है यहाँ पे फहाशी है यहाँ शराब खाने हैं यहाँ शराब खुली बिक रही है तो तुम्हें किसने कहा इन्होंने खत लिख के तुम्हें कहा था भी आए आप आए यहां तशरीफ ले आए आए आप और मैंने आपको अर्ज किया था यह बार बार ये लफज कहते हैं डायस्पोरा डायस्पोरा जी पाकिस्तान डायस्पोरा में क्या कर रहे हैं आपका चार करोड़ बच्चा इस पर स्कूलों में नहीं जा रहा उसमें से दो करोड़ डायस्पोरा बनेगा वो पैदल चल के ईरान जाएगा ईरान से वो टर्की जाएगा टर्की से आधे समंदर में डूब के मर जाएंगे आधे ग्रीस पहुंचेंगे बॉर्डर पे

इनको, uh, 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 इनको कि इनको एयर कंडीशनिंग इलेक्ट्रिशियन इनको प्लम्बिंग वगैरह चीजें सिखाई जाए ताकि वहां से कुछ सीख कराए एट लीस्ट ई करना तो सीख लेंगे इंग्लिश में नाम तो पूरा लिखना सीख लेंगे, आना तो सबने एंड अप यही करना है तो अगर मैं मेरे जैसा एक गरीब आदमी सोच रहा है तो आपका जो लूटिंग अलीट है वो क्यों नहीं सोच रहा है वो तो ये तो हर जगह इंग्लैंड चाहे अमेरिका जाएं, वहाँ पे मिनी पाकिस्तान बनाना शुरू कर तो देते। गेटोस, मैं आपको एक और बात बताता दू जर्मनी की तो पाकिस्तानियों का एक गेटो बना रखा है जिसमें बच्चे पैदा होते हैं नॉर्वेजियन लैंग्वेज का एक लफ्ज नहीं जानते अपने अपने गेटो में पैदा हुए वही कारोबार वही जबान वही सारा फिर कल को आप नॉर्वीजियंस को किस तरह ब्लेम करेंगे जी वो मस्जिदें बंद करने लगे आपको डिपोर्ट कर डिपोर्ट बेचारे तो कर नहीं सकते क्योंकि पैदा वहीं हुए मजबूर है वहां मेरा बल्कि मैं कई कई दफा कहता को चीज पसंद नहीं है आपके इस्लामिक इमिग्रेशन ने जहां जहां आप माइग्रेट किया है आपने उनको एज ए सोसाइटी क्या दिया तो आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और साजिद साहब का ये पूरा डिस्कशन और इनकी पॉजिटिव बातें आपको काफी पसंद आयेंगी और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जहां पे आपने देखा साजिद ताडा साहब ने जो खुद एक पाकिस्तानी मुल्क है उन्होंने पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज किया वेल well, इस बात के लिए जिगरा चाहिए कि अपने देश को अपने मुल्क की गलतियां निकालना और उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आके क्रिटिसाइज करना और आपने देखा साजिद ताड़ा साहब और आरजू आजमी ना सिर्फ पाकिस्तान से नाराज और खफा नजर आए बल्कि जो वहाँ पर रह रहे मोमिन है और खासकर शांति दूत हैं उनसे भी काफी ज्यादा परेशान नजर आए जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी जाते हैं उस देश को तंग करते हैं और वहाँ के हालात खराब करने की कोशिश करते हैं तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताए और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो लाते रहें तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत